एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर हो गया वो फरार। इस शातिर अपराधी ने डाल दी कानून की घेराबंदी में दरार। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे अनोखी और सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। आज वांटेड के रडार पर है वो खूंखार अपराधी जिस पर यूपी, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों की पुलिस ने रखा है 12 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए सरदर्द बन चुके अमित मलिक और भूरा के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। भूरा के खिलाफ एक तिहरा हत्याकांड, एक दोहरा हत्याकांड एवं 100 से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं। अमित बेहद ही अय्याश किस्म का अपराधी है। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ रंगरनिया मनाना इसका शौक है। इसी वजह से पुलिस भी इससे बेहद खुश रहती है। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए सरदर्द बन चुके अमित मलिक और भूरा के ऊपर 12 लाख का इनाम घोषित है। हमारे सूत्रों के मुताबिक भूरा ने एक फर्जी पैन कार्ड नवीन अरोड़ा के नाम से भी बनवा रखा है। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे पुलिस के लिए आफत बन चुका सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी अमित मलिक उर्फ संजय उर्फ भूरा की अपराध की दुनिया में आने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सरनावली गांव का रहने वाला अमित मलिक और भूरा आज से 13 साल पहले चोरी की एक मामूली घटना के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। महज 16 साल का भूरा उस वक्त मुजफ्फरनगर के मदरलैंड पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। भाई 2 महीने पहले लिया तेरी दुकान से, अब या तो इन्हें बना के दे दे या भाई मेरे पैसे वापस कर दे। देख भाई, मारा काम था खाली से बेचना, अगर इसे बनवाना है तो सर्विस सेंटर जा, यार रुक के तारने का कोई फायदा नहीं। मैं के जाऊं सर्विस सेंटर, इन्हें बना के दे नहीं तो मेरे पैसे वापस कर दे। बे गाली किसे दे रहा है, चल यहां से निकल, ना बनाता तेरे मोबाइल, चल निकल निकल, देख लूंगा तुम्हें। चल चल यहां पे दिखाई न दे जाइए दोबारा ते, चल भाग यहां से। इस झड़प के कुछ ही दिनों के बाद भूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर विनीत की बाइक छीन ली। विनीत ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने भूरा को गिरफ्तार कर लिया। साल 2002 में जेल से बाहर आने के बाद भूरा अपने साथी बिट्टू और नीटू कैल के साथ मिलकर विनीत से पत्ता लेने की योजना बनाने लगा। भाई इसी मोटरसाइकिल के लिए तने मुझे जेल भिजवाया था ना? मुझे लगा तो ना जेल जाके भी अकल ना आई। नहीं भाई ऐसी बात ना, मैंने जेल जाके घनी चीज सीखी। अपन सबसे बड़ी बात क्या सीखी कि अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भाई भाई मन माफ कर दे, भाई भाई मन माफ कर दे, भाई भाई तू हमने कर माफ, पर तने अकल घनी देर में आई।
विनीत की हत्या करके भूरा ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन उसके साथी नीटू और बिट्टू का बदला अभी भी अधूरा था। इन दोनों की दुश्मनी केल गांव के उदयवीर काला से थी। साल 2002 में भूरा ने बिट्टू और नीटू के साथ मिलकर उदयवीर काला पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक हत्या की कई वारदातों को अंजाम देने की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूरा के नाम का आतंक पैर पसारने लगा। इस आतंक की वजह से भूरा को सुनील राठी जैसे नए दोस्त मिले, वहीं धर्मेंद्र जैसे नए दुश्मन भी मिले। अपने दुश्मन को जिंदा न छोड़ने की सोच रखने वाले अमित मलिक उर्फ भूरा का अगला शिकार बना बागपत का नामी गैंगस्टर धर्मेंद्र। साल 2004 में भूरा ने अपने साथियों के साथ धर्मेंद्र के घर पर धावा बोला। अचानक हुए इस हमले में धर्मेंद्र तो बाल बाल बच गया, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस शूटआउट में धर्मेंद्र के पिता, चाचा, भाई और बहू की मौत हो गई। इस तीरे हत्याकांड के बाद भूरा को पकड़ने के लिए पुलिस ने नए सिरे से मुहिम शुरू की। भूरा की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। पुलिस की सख्ती से निपटने के लिए भूरा को पैसे और हथियारों की जरूरत थी, इसलिए वो लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने लगा। भूरा ने जब लूट की योजना बनानी शुरू की तो सबसे पहले उसका ध्यान NH-24 के किनारे गाजीपुर गांव में मौजूद टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी PKSS इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के जोनल ऑफिस पर गया। कई दिनों तक रेकी करने के बाद आखिरकार 2 दिसंबर 2009 को भूरा ने इस दफ्तर पर धावा बोला। अरे चौधरी साहब, घनी चाय पी ली तुमने? अरे बैठो। कौन हो भाई? कौन है तुम? अबे तेरी नाल पे छुरी धरी है और तू हमसे पूछ रहा है कि हम कौन है? बस अब समझा हम कौन है? हैं? बस सुन, हम यहाँ करने आए हैं लूट। अब चुपचाप ये बता दे कि पैसे किधर हैं? बहुत बस, मुझे होशियार लोग बहुत पसंद है। कितना माल पड़ा है इसमें? क्या पैसे और क्या? 22 लाख है, ज्यादा हो गए, कम नहीं है। चल बे उठाए से। भाई मारा काम तो हो लिया। अरे आते आते कुंजी बंद करके आना। खोलो, कोई खोलना भाई, कोई है? ये खोलो। लूट की इस घटना की शुरुआती जांच में ही पुलिस को पता चल गया कि PKSS इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के एक टोल बूथ पर काम करने वाला संजीव तोमर नाम का कर्मचारी भूरा के लिए खबरी का काम करता है। पुलिस इस कर्मचारी की गुप्त रूप से निगरानी करने लगी और एक दिन आखिरकार पुलिस को भूरा का सुराग मिल ही गया। ओके सर, जय हिंद सर। सर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है, मैंने खुद भूरा और संजीव की बातें सुनी है, वो आज इसी जगह पर लूट का प्लान करने वाले हैं। ओके, इसका मतलब हमारे पास एक गोल्डन चांस है भूरा को गिरफ्तार करने के लिए। जी सर, ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। तुम सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, किसी को सवाल पूछना है? नो सर।
कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, तुम गिन चुके हो, चलो चल चल ले चलो सबको। भूरा को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन वो उसे अधिक दिनों तक हवालात में नहीं रख पाई। आगे की कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई जल्दी से निकल। भाई वादे ने गए के? हाँ हाँ गए, अभी भेज दिया, तू जल्दी से निकल। सुन मेरी, अपना इनाम अपनी भाभी ते ले लिया, ठीक है? कोई ना, तू निकल 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 निकल। सुन बेटे, हम देन में नहीं लेन में विश्वास रखते हैं, समझ गया? आजो रे। भाई तू हमने कर माफ, पर तने अकल घनी देर में आई। कौन है तुम? अबे तेरी नाल पे छुरी धरी है और तू हमसे पूछ रहा है कि हम कौन है? खबरदार बुरा, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, तुम गिर चुके हो, चल ले चलो सबको। करीब एक साल तक जेल में रहने के बाद 10 फरवरी 2011 को भूरा कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इस फरारी में उसका साथ दिया हेड कांस्टेबल परविंदर ने। भूरा ने अपने ही गांव के रहने वाले हेड कांस्टेबल परविंदर को झांसे में लेकर अपनी फरारी की योजना बनाई। परविंदर के साथ आए दो और कांस्टेबलों ने भूरा को पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया। इस पेशी के बाद उन्होंने भूरा को लेकर गाजियाबाद कोर्ट जाना था, लेकिन परविंदर के कहने पर वो भूरा को उसकी पत्नी मीनाक्षी से मिलवाने के लिए दिल्ली के दिलचाद कॉलोनी के एक फ्लैट तक ले जाने के लिए राजी हो गए। तू तो जेल में था ना? इस मेरी जान तेरी खातिर आ गया। मेरे खातिर? तो तू किस सदा के लिए मेरे खातिर आ गया? बस नू ही समझ ले, हाय वकील हम की तरह वकालत ना कर, बहुत प्यासा मुझे अपनी बाहों में भर ले। अब यही खड़ा रखेगी, मैंने भीतर भी लेके जाएगी तू? हाँ हाँ आजा मेरे राजा, इतने दिन की कसर भी तो पूरी करनी है। अरे जो भी करना है जल्दी कर लियो। अरे भाई कपड़े उतार के थोड़े पहनने हैं, अभी तो बहुत कुछ होना है भाई, टाइम तो लगेगा। क्यों मेरी जाने मन? हाँ राजा। अरे सुन भाई, हमें घना ही टाइम लगेगा, इतने दिनों बाद आया हूँ, टाइम तो घना लगेगा। तुम यूँ करो बाहर जाए कुछ खा पी आओ। हाँ ठीक है ठीक है, कर ले मौज। बिल्कुल। अरे भाई अभी तो इनका प्रोग्राम लंबा चलेगा, एक काम करो तुम दोनों चाय नाश्ता कर आओ, मैं यहीं पहरेदारी करता हूँ। ठीक है, पर जरा सावधान रहना, बहुत। ठीक है आता हूँ मैं। जल्दी से निकल। भाई वादे ने गए के? हाँ हाँ गए, अभी भेज दिया, तू जल्दी से निकल। सुन मेरी, अपना इनाम अपनी भाभी ते ले लिया, ठीक है ना? तू निकल 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 निकल। फरार होते ही भूरा ने एक के बाद एक लूट की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले देहरादून के विशाल मेगा मार्ट में लाखों की डकैती की।
इसके बाद 14 मई 2011 को भूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूना से गाजियाबाद आ रहे एक कंटेनर को फरीदाबाद के मथुरा रोड पर लूट लिया। लेकिन जिस वारदात ने भूरा का नाम रातों रात सुर्खियों में ला दिया, वह वारदात थी शाहबाद शुगर मिल लूटकांड। अरे भाई बॉबी, एक घंटा हो गया, कब आएगी तेरी वैन? भाई जी थोड़ा सब्र कर लो, मीरगंज वाला राणा इसी रास्ते से लेके आवे, आवे तो दिल्ली है, कैसे लेके आवे? अरे कोई टाइम तो होगा इसका आने का? अभी 4 बजे आवे, रोज तो दिल्ली का टाइम ही हुई है उसका, पर अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई, आज बार होगी दिखे। भाई जी थोड़ा सब्र रखो, भाई जी तैयार हो लो, आ जी थारी वैन। भाई भाई ने सारे तैयार हो लो जल्दी से, सारे तैयार हो लो, पाछे बोले तो। जय सीता, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे बाबा जी थोड़ा साइड तो दे दियो। अलख निरंजन, क्या कष्ट है बच्चा? अरे कुछ नहीं बाबा जी, हम तो थारे से साइड मांग रहे थे। बच्चा हम तो उस ऊपर वाले की साइड हैं, हम तो इस साइड भी हैं, हम उस साइड भी, तुम्हें कौन सी साइड चाहिए बेटा? अरे बाबा जी कोई सा भी साइड दे दो। सुन बेटे, हम देन में नहीं लेन में विश्वास रखते हैं, समझ गया? आ जाओ रे, समझ रहा है ना? काट ले रे पैसे, काट ले सारे। कहाँ भाग रहा था? पैसे काट ले, लगन देंगे तुझे, फिर मैं क्या चक्कर करो? इस घटना के करीब 3 महीने बाद 16 जून 2011 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय कालेखा बस अड्डे से भूरा को दबोच लिया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि उन 5 राज्यों की जनता ने भी राहत की सांस ली, जहां ये अपराधी लूट और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के करीब 3.5 साल बाद एक बार फिर भूरा पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इस साल सितंबर महीने में भूरा को हरिद्वार से देहरादून जेल शिफ्ट किया गया था। यहीं उसने अपनी फरारी का प्लान तैयार किया और इसकी खबर जेल के बाहर मौजूद अपने साथियों तक पहुंचाई। पिछली बार की तरह इस बार भी भूरा ने पेशी के दौरान ही फरार होने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार इस काम में किसी हवलदार ने नहीं बल्कि उसके खुद के साथियों ने उसकी मदद की। भाई टोनी कोट चलेगा क्या?
इस घटना के तुरंत बाद यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर अमित भूरा के सिर पर 12 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी अमित मलिक उर्फ भूरा की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 12 लाख रुपए इनाम रखा है। हो सकता है ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो या फिर अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस फरार अपराधी के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि भूरा की अपराध करने की आदत किसी और की जान ले, इससे पहले कि वो किसी और लूट की वारदात को अंजाम दे, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके एक खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं, हम इस अपराधी को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और अपराधी की काली कहानी के साथ। जय हिंद।